दोस्तों आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो जैसी अभी आपकी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दो और जिंदगी काटते रहो, और दूसरा ऑप्शन है एक्शन लो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो, इसे वैसी बनाओ जैसी आप चाहते हो। एक लाइन में कहें तो जिंदगी को काटो या फिर जिंदगी को जियो। गौर गोपाल दास जी की एक बुक है अमेजिंग लाइफ सीक्रेट नाम से। उस बुक में वो कहते हैं कि डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ, और ऐसा करने का सबसे बढ़िया तरीका हैबिट्स है। जी हाँ, आप हैबिट्स में चेंज लाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 21 दिन का चैलेंज देने वाला हूँ, और मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, केवल 21 दिन, जी हाँ केवल 21 दिन मेरी बताई हुई बातों पर चलकर देखो, आपकी जिंदगी स्वर्ग ना बन जाए तो कहना। तो आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में, सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग। पहली चीज, आपका जो भी सपना हो उसको अचीव करने के लिए आपकी गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए। गाड़ी यानी आपके शरीर में दम होना चाहिए, बिकॉज 50 किलोमीटर के पेट्रोल से आप 100 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकते। जब तक आपकी हेल्थ परफेक्ट नहीं होगी तब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। सो फर्स्ट पिलर इज हेल्थ। इन 21 दिनों में आपको काम करना है अपनी हेल्थ के ऊपर। अगर आप मेल हो तो अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ, फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाओ, और फीमेल हो तो एस्ट्रोजन और खुशी फील करवाने वाले हार्मोन्स की बॉडी में बौछार करवा दो। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ऐसा कैसे होगा? पहली चीज, आज से ही प्रण लो, प्लेज लो कि कम से कम 21 दिनों तक मैं एक्सरसाइज करूंगा। कोई भी वो एक्सरसाइज जिसको करने से पसीना आता है, बॉडी से स्वेट निकलता हो। दूसरी चीज, कचरे को, जंक फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा और हेल्थ फूड, होममेड फूड ही खाऊंगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिससे आपको बहुत फायदा होगा, वो है खाने को फील करो खाते समय। किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। गल्प करने की जगह खाने को एंजॉय करो, फील करो, अच्छे से चबाओ, डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तीसरी चीज, सुबह जल्दी उठूंगा, डीप ब्रीदिंग करूंगा। चौथी चीज, 8 घंटे की नींद। हेल्थ के लेवल पर ये 4 काम करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे चेंजेस आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। लेकिन क्या केवल फिजिकली फिट बनने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे के पॉइंट्स में बात करते हैं। नंबर 5, बिकम मेंटली फिट। अब बात करते हैं कि आप मेंटली फिट कैसे रहेंगे। मेंटली फिट उस इंसान को कहेंगे जो क्लियरली सोच सकता है, जिसके दिमाग में लाइफ को लेकर क्लैरिटी है और जो अपने एक्शन को लेकर अवेयर है। सवाल आता है कि आप मेंटली फिट कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया का यूज कम से कम कर दो, फालतू के एप्स को डिलीट मारो। टाइम को वेस्ट करने का, मजे करने का, सोशल मीडिया चलाने का फिक्स टाइम डिसाइड करो कि इस टाइम के सिवा मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, या ये कहें कि सोशल मीडिया का यूज नहीं करूंगा। ये एक छोटी सी चीज आप करके देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर होगी, पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। दूसरी चीज जो आप मेंटल लेवल पर कर सकते हो वो है अपनी फीलिंग्स को खाली करना। मोबाइल का कैमरा चालू करो, जो आपके मन में आ रहा है वो सब कुछ बक दो या कागज पर लिख दो, कुछ भी जो अंदर दबाए हुए हो उसे मत रखो। तीसरी चीज, बुक्स पढ़ो, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ो। चौथी चीज, खुद के साथ कम से कम 1 घंटा बिताओ, और रात को सोने से पहले अफर्मेशन सुनो और ग्रेट फुल रहो लाइफ को लेकर के। ऐसा करने से आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। नंबर 4, साइड हसल। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब होता है फाइंडिंग एन इनकम सोर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी इनकम का सोर्स ढूंढना होगा, जिससे आपको किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े, और इससे आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आएगा। दोस्तों आज के टाइम में आपको इनकम के लिए जॉब की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसे आप मार्केट कर सको और जिससे आप बिना किसी जॉब किए भी पैसा कमा सकते हो। ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। जैसे मेरा एक दोस्त कंटेंट राइटिंग के थ्रू महीनों का लाखों कमा रहा है, वहीं दूसरा दोस्त वीडियो एडिटिंग के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। दोस्तों वैसे तो कई तरह की स्किल्स होती हैं, पर अभी के टाइम में ये कुछ स्किल्स हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजिंग, फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग। दोस्तों इनमें से वीडियो एडिटिंग सबसे आसान है और एक अच्छे वीडियो एडिटर की आज के टाइम में बहुत डिमांड भी है। तो अगर आप भी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर ऐप आपके लिए ही है। इस ऐप में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको किसी और ऐप में नहीं मिलेंगे, और इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, चाहे आप में जीरो एडिटिंग स्किल्स ही क्यों ना हो।
दोस्तों बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें आपको कई सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो प्रेजेंटेशन, वीडियो एडिटिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, यूट्यूब एटसेट्रा, रिकॉर्डिंग योरसेल्फ एंड मेनी मोर अदर फीचर्स। दोस्तों इस ऐप में आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ उसे एडिट भी कर सकते हैं, मतलब ये ऑल इन वन ऐप है। और तो और इसकी मदद से आप अपना एक वर्चुअल 3D अवतार भी बना सकते हैं। दोस्तों इस ऐप में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी वीडियो को एक बेहतर तरीके से एडिट और बनना चाहते हो एक वीडियो एडिटर, तो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से इसे डाउनलोड करो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। नंबर 3, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। ताश के 52 पत्ते सभी में बराबर बांटे जाते हैं, ठीक वैसे ही टाइम यूनिवर्स ने सभी को सेम दिया है, लेकिन जो स्मार्टली यूज करेगा वो ही अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, आज से आप अपने एक एक घंटे का हिसाब लगाना शुरू करिए। हर एक घंटे को नोट करिए, कॉपी में लिखिए कि आपने पिछले एक घंटे में ऐसा क्या किया जो आपको आपके गोल के नजदीक ले जाएगा। यकीन मानिए अगर आपने जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब लगाना शुरू कर दिया ना, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके एक एक सेकंड, एक एक मिनट की कीमत हजारों लाखों में होगी। टाइम से ही जुड़ी एक चीज और आती है और वो है मैं कल करूंगा वाला कीड़ा। कल पर सवाल है, जीना फिलहाल है। टुमारो नाम की चीज अपनी लाइफ से डिलीट मार दो। देयर इज नो टुमारो, जो करना है आज करो, अभी करो, टुमारो को ही खत्म कर दो जिंदगी से। सोचो आपके पास केवल 10 दिन, केवल एक दिन है, केवल 10 घंटे हैं, केवल एक घंटा है। इस तरह से चीजों को माइक्रो लेवल पर तोड़ दो, खुद को ट्रैक करो, फिर देखो कैसे आपके गोल्स अचीव नहीं होते। किसी ने खूब कहा है, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा कल दिन गए टल, जिसने कहा आज कर रहा है राज। आज वही कल है जिस कल का आपको कल इंतजार था। Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, that's why it's called present. Number 2, change your attitude. दोस्तों इस दुनिया में attitude के आधार पर दो तरह के लोग होते हैं। Attitude मतलब आप किसी set of circumstances में कैसे react करते हैं। पहले वो जो बुरे से बुरे में भी अच्छा ढूंढ लेते हैं और हंसते खेलते रहते हैं life में, grow करते रहते हैं। दूसरे वो अच्छे से अच्छे में भी बुरा ढूंढ लेते हैं और रोते ही रहते हैं। एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। Turn your problems, turn your adversity into opportunity. Problem सबकी लाइफ में है, बस आपको अपने देखने का नजरिया बदलना है और इन 21 दिनों में आपको हर चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, लोगों ने आपको बोला कि तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है, तो जो नेगेटिव बंदा होगा वो बोलेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सही है मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। जबकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा उसी बात को अपना मोटिवेशन बना लेगा और खुद को प्रूव करेगा। आप बीमार हुए तो इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज छिपी है, अब से आप रोज एक्सरसाइज करोगे और अपनी हेल्थ पर ध्यान दोगे। कुल मिलाकर आपको हर प्रॉब्लम में क्या कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्या आपके काम का हो सकता है, क्या आप उससे सीख सकते हो, उस पर ध्यान देना है। अगर आप बुरी से बुरी चीज में भी कुछ अच्छा सीख रहे हो तो वो बुरे से बुरा भी अच्छा है आपके लिए, लेकिन जो अच्छा हो रहा है आपके साथ पर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे तो वो अच्छा भी आपके लिए बुरा है। टर्न योर मिजरी, टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। नंबर 1, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान होता है आपकी सराउंडिंग का। आप किस तरह के लोगों से घिरे हुए हो, दैट मैटर्स अ लॉट। इसलिए ऐसे लोगों से दूर हो जाना जहां पर काम की बात कम और मजे मस्ती की बात ज्यादा होती है। गायब हो जाओ उन जगहों से जो आपकी जड़ों को, आपकी विल पावर को कमजोर बना रही है। गायब हो जाओ उन महफिलों में से जहाँ करियर की नहीं लड़की बाजी की बात होती है। गायब हो जाओ उन लोगों से जो बोलते तो बहुत हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसे लोग आपकी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर हो जाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को सम अप करते हैं। मेंटली फिट बनने के लिए आपको आपकी बॉडी पर काम करना ही होगा, देयर इज नो चॉइस। सेकंड थिंग, अपने एटीट्यूड में चेंज लेकर आइए। हर नेगेटिव चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढिए और अच्छे लोगों से खुद को सराउंड करिए। और जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए गिफ्ट में एक बोनस टिप। एवरी मॉर्निंग आस्क योरसेल्फ, व्हाट विल आई डू टुडे दैट विल ब्रिंग मी क्लोजर टू माय गोल, एंड एवरी नाइट आस्क योरसेल्फ, डिड आई डू व्हाट आई कमिटेड टू माय सेल्फ इन द मॉर्निंग।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल एडिट करना चाहते हो वो भी कम एफर्ट्स के साथ, तो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।